हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम शन्नो मित्र शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशंकरानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे आज से हम नया प्रकरण नवमा प्रकरण ध्यान दीप का आरंभ कर रहे हैं। ध्यान दीप प्रकरण के संगति में राम तीर्थ जी कहते हैं, देखो ये प्रकरण का आरंभ क्यों हो रहा है, इनका कारण ये दे रहे हैं। जिनको सुन के आप सबको ऐसा ही लगेगा कि ये हमारा ही है ये हमारी ही समस्या है या ये हमारे लिए ही है, आप समझो बहुत सुंदर है। तो ये संगति देते हैं, इह तावत वेदांत शास्त्रे, इह तावत यहां तक, माने कि आठ प्रकरण में वेदांत शास्त्रे, वेदांत शास्त्र में नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्नस्य सम्यक श्रवण मनन निरिध्यास अनुष्ठानवतः। वेदांत शास्त्र में दो प्रकार के साधन की बात है, एक बहिरंग साधन है, दूसरा अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन जो है नित्यानित्य वस्तु विवेक है, यह अमूत्र फल भोग विराग है,
इस लोक और परलोक के सर्व भोग के प्रत्ये वैराग्य है। नित्य अनित्य का विवेक है और विवेक जन्य वैराग्य है, और वो वैराग्य को दृढ़ करने के लिए हमारे व्यक्तित्व के जो छह पहलू है, आप देखो, कर्म है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आप तो इन सब व्यक्तित्व के पहलू में वैराग्य की दृढ़ता के लिए समाधि षटक संपत्ति की चर्चा है। और मुमुक्षुत्वम साधन चतुष्ट, ये चार साधन है। मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षु नहीं, आप देखो, मुमुक्षु मानी जिसको मोक्ष की इच्छा है, जिज्ञासु मानी जिसको ज्ञान की इच्छा है, लेकिन यहां क्या कहते हैं, मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुपना। अब ये बहुत आवश्यक, मनुष्य जीवन तो हमें मिल गया, मानव शरीर तो धारण कर लिया है, लेकिन मानवता हमारे में कितनी है, मनुष्य है लेकिन मनुष्यत्व कहां पर है। ये बहुत समझने की बात है, मानवता जो है, मानव शरीर एक बात है, मानवता दूसरी बात है। उसी प्रकार से मुमुक्षु है मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुपन मानी कि वो उनका स्वभाव है, उनको मोक्ष प्राप्त करना है, वो उनके जीवन की अग्रिमता है, प्राथमिकता है, अंग्रेज उसको प्रायोरिटी कहते हैं। तो ये चार साधन जो है, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, साधन चतुष्टय संपन्नस्य, जिस साधक में ये चार, जी जो साधक ये चार साधन जो चतुष्टय है उनसे संपन्न है, उतना ही नहीं जो अंतरंग साधन है, सम्यक श्रवण मनन निदिध्यासन अनुष्ठान वत, देखो ये बहुत महत्व का है, अनुष्ठान वत, जो श्रवण मनन निदिध्यासन का अनुष्ठान करने वाले को अनुष्ठान वत, मानी यह श्रवण मनन निदिध्यासन का विकल्प नहीं दिया है, आप समझना ठीक से, ये साधन चतुष्टय भी आवश्यक है, साधन चतुष्टय से संपन्न है, और श्रवण मनन निदिध्यासन का भी वो अनुष्ठान कर रहा है। तत्व पदार्थ विवेचन पूर्वक महावाक्यार्थ, जब श्रवण मनन करते हैं तो त्वम पद, तत्पद पद जो है उनके अर्थ को, वाच्यार्थ को, लक्ष्यार्थ का भी जो विवेचन करता, विवेक करता है, और विवेचन पूर्वक महावाक्यार्थ अपरोक्ष ज्ञानेन, जब महावाक्य का तत्पद का शोधन कर, तत्पद का वाचन, वाच्यार्थ क्या है, तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है, त्वम पद मानी आप स्वयं जीव, तो जीव का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, उनके बाद ये दोनों का ऐक्य का जिसमें निरूपण किया गया है वो महावाक्य का उपदेश भी है, महावाक्यार्थ, और महावाक्य का उपदेश जो है वो उपदेश के श्रवण के द्वारा अपरोक्ष ज्ञानेन ब्रह्म भाव आदि, अब ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष दो नहीं है, आप समझो, ब्रह्म भाव माने कि अपने को ब्रह्म स्वरूप जानना, वो अपने को ब्रह्म स्वरूप जानना वही मोक्ष का लक्षण है, आप देखो, माने कि आप अपने को जीव भाव में बैठे हो, आप अपने को देहादि मान रहे हो तो वो संसार है, जब आपने ब्रह्म भाव प्राप्त कर लिया है, अपने को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है,
तो अपने को ब्रह्म स्वरूप जानना यही मोक्ष का लक्षण है, आप समझ। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म भ्राव लक्षण मोक्ष भवति इति प्रतिपादितं वेदांत शास्त्रे। अगले 8 प्रकरण में वेदांत शास्त्र में जो ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है, देखो ये जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है, ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, आप समझना ठीक से, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी प्रकार से ही वेदांत शास्त्र में ये तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, और तत्व ज्ञान के उपदेश के द्वारा अपना ब्रह्म स्वरूप जब हम जान लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन तत्र श्रुत उपनिषद 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 कस्यापि कस्यापि, कोई ऐसा है जिसके लिए कस्यापि, किसी के लिए उपनिषद के श्रवण, श्रुत उपनिषद आप समझो, उपनिषद का भी श्रवण किया है, मनन भी किया है, बुद्धिमान्द्यादिना केनचित् प्रतिबंधेन, बुद्धिमान्द्यादि आदि बुद्धि की मंदता आदि उनके कारण, मान्द्य केनचित् प्रतिबंधेन, किसी प्रकार के प्रतिबंधक विघ्न के कारण, बुद्धि की मंदता हम आगे देख के गए। बुद्धि में 3 लक्षण होने चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, सूक्ष्म दर्शी माने कि सूक्ष्म के दर्शन करने का स्वभाव होना चाहिए। यमराजा कहते हैं हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए जिसके कारण हमें ये ज्ञान हो सकता है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मानः प्रकाशते, अब सर्व भूतों में ये आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है, अब न प्रकाशत, लेकिन हम उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। सर्व भूतों में आत्मा होने पर भी हम उनके दर्शन नहीं करते हैं। एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मानः प्रकाशते दृश्यते तु अग्र बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते, दर्शन हो सकते हैं कब, सूक्ष्मया बुद्ध्या, हमारी बुद्धि को सूक्ष्म करना है। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, बाहर घट है तो महाबुद्धि घटाकार होनी चाहिए, हम देख के गए, घटाकार वृत्ति जब उत्पन्न होती है तब हमें घट का ज्ञान होता है, पुष्प है तो पुष्पाकार वृत्ति बनती है। अब तो हमारी बुद्धि जो है जो जो विषय है वो विषय के आकार को वो धारण करती है, आकार माने शब्दाकार वृत्ति माने शब्द होता है, शब्द का कोई आकार नहीं होता, लेकिन हमारे एक भाषा की एक मर्यादा है। तो जो जो विषय है वो विषय आकार वृत्ति होनी चाहिए। अब आत्म तत्व क्या है, शांतम शिवम, अब शांत स्वरूप है। अब आत्मा जब शांत स्वरूप है तो हमारी बुद्धि भी सापेक्ष रूप से शांत होनी चाहिए, आत्मा सूक्ष्म है तो हमारी बुद्धि भी सापेक्ष रूप से, स्वामी जी इसलिए कहते थे कि रिलेटिवली अवर माइंड शुड बी क्वाइट, रिलेटिवली शुड बी सटल, रिलेटिवली सापेक्ष रूप से हमारा मन भी सूक्ष्म होना चाहिए, शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। उतना ही नहीं,
अग्र बुद्धिया, बुद्धि में वो तीक्ष्णता, शार्पनेस अंग्रेजी में कहते हैं, वो तीक्ष्णता हमारी बुद्धि में होना चाहिए, जो सुनते हो उसे उसी प्रकार से हम उसको ग्रहण करें। जो उपदेश किया जा रहा है उसमें अपने कोई अभिप्राय को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जी जिस प्रकार से उपदेश कर रहे हैं उसी प्रकार से हमें ग्रहण करना है। उनके अंदर हमारे राग द्वेष, हमारा आग्रह, हमारी अपेक्षा, हमारे राग द्वेष किसी भी प्रकार से तभी हमारी बुद्धि तीक्ष्ण बन सकती है। नचिकेता का दृष्टांत है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो अग्नि विद्या है, तो वो अग्नि विद्या जो है अग्नि विद्या का वर्णन किया किस प्रकार से, कितनी ईंट, किस प्रकार से वो इष्टिका को रखना है, किस प्रकार से वेदी बनाना है, किस प्रकार के द्रव्य का उपयोग करना है, किस प्रकार का अग्नि होना चाहिए, ये सब वर्णन किया। यमराजा ने जिस प्रकार से वो पूरी अग्नि विद्या का जो वर्णन किया था नचिकेता, वैसा कि वैसा बोल गए। आप देखो गुरु जो उपदेश कर रहे हैं वही के वही उपदेश हमारे मन में होना चाहिए। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हमारी होनी चाहिए कि हम वो सब जो है ग्रहण कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी भी, व्यक्ति का सूक्ष्म दर्शन करना ये उनका स्वभाव बन जाना चाहिए। हम देखो स्थूल के दर्शन कर करके हमारी बुद्धि स्थूल हो गई है, जड़ के दर्शन कर करके, जड़ का भोग करके हमारी बुद्धि भी जड़ बन गई है, आप समझो। और इसी के कारण क्या होता है, बुद्धिमान्द्यादि, बुद्धि में मंदता है, वो तीक्ष्णता, वो सूक्ष्मता, मंद बुद्धि नहीं है, आप समझो। धनोपार्जन कैसा करना है, शेयर बाजार में कहां कहां पैसे रोकना है, वो उनके लिए उनकी बुद्धि बहुत चलती है, बाह्य जगत की दृष्टि से उनकी बुद्धि श्रेष्ठ है, लेकिन इस स्थूल जगत में उनकी बुद्धि काम कर रही है। लेकिन जब सूक्ष्मता की बात आती है, और आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म है, आप देखो अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म जो आत्मा है, और अत्यंत सूक्ष्म आत्मा को अगर ग्रहण करना है तो हमारी बुद्धि भी इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। और इसलिए कहते हैं बुद्धि मान्द्यादि, आदि मानी बहुत कुछ है, अब समझो। वैराग्य की कमी भी हो सकती है, विवेक की भी कमी हो सकती है, लेकिन उनमें मुख्य कारण क्या है, बुद्धि की मंदता। अब देखो मंद मध्यम जो अधिकारी है उनको क्या होता है, प्रतिबंध है, वो ही प्रतिबंधक बन जाते हैं। आप देखो बाहर कोई प्रतिबंधक नहीं है, साधन चतुष्टय भी है, लेकिन ये बुद्धि में ग्रहण करने के जो ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है वो थोड़ा कम है। और इसलिए कहते हैं बुद्धि मान्द्यादिना केन चित्त प्रतिबंधेन, किसी प्रकार का एक प्रतिबंधक है। देखो ये जो साधक लोग जो है जो गंभीरता पूर्वक ये कर रहे हैं, कई बार उनको ऐसा होता है, अंग्रेजी में उसको कहते हिटिंग द वॉल, ऐसे अंग्रेजी में कहते, उनको लगता है कि कहीं न कहीं वो रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा लगता है।
कि कहीं कुछ ऐसा कोई प्रतिबंधक, कोई ऐसा विघ्न आ गया है जिसके कारण उनकी बुद्धि आगे नहीं बढ़ सकती है, अत्यंत सूक्ष्म नहीं बन सकती है। आप समझे? और इसके कारण क्या होता है? प्रतिबंधे न वाक्यार्थ विषय अपरोक्ष प्रमिति अनुत्पत्तौ। महावाक्य का उपदेश भी श्रवण करते हैं, लेकिन महावाक्य का जो ऐक्य का जो अर्थ है, जो अपरोक्ष ज्ञान जिसको कहते हैं, वो अपरोक्ष ज्ञान अनुपपत्त उत्पन्न नहीं होता है। वो ऐक्य जो है वो ऐक्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। अनुपपत्तौ सत्याम, जब इस प्रकार से वो ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है बुद्धि में, केनचित किसी प्रकार का प्रतिबंधक है। देखो, ये बहुत सारे साधक होते हैं बाहर, बाह्य जगत से तो सब उनके लिए अनुकूल है, लेकिन आंतरिक रूप से उनके मन में शांति नहीं है, विक्षेप है, कोई प्रतिबंधक का अनुभव करते हैं। देखो, इसलिए महर्षि कहते हैं अटक गए हैं, लटक गए हैं, भटक गए। अब कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि भटक जाती है, कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि लटक जाती है। तो ऐसे जो साधक है, श्रवण भी किया है, महावाक्य का उपदेश भी श्रवण किया है, श्रुता उपनिषद, अब उपनिषद का श्रवण भी किया है, लेकिन बुद्धि में किसी प्रकार से कोई प्रतिबंधक होने के कारण अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है उनको, तो क्या करना है? सत्याम अनुपपत्तो सत्याम, सती सप्तमी कहते, जब अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तद उत्पादन द्वारा मोक्ष फल उपासना ने दिदर्शयिषुः। तो वो अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए उपासनानि दिदर्शयिषुः। अब देखो, दिदर्शयिषुः दर्शाने की इच्छा से, अब जिसको ये दर्शाने की इच्छा है, मुमुक्षु माने मोक्ष की, जिसको मोक्ष की इच्छा है, दिदर्शयिषुः जिसको ये उपासना, मोक्ष फल का उपासना दर्शाने की इच्छा वाले जो आचार्य है, आदौ तावत प्रारंभ में, प्रकरण के प्रारंभ में, सदृष्टांतम ब्रह्म तत्व उपासनयापि मोक्षः भवति इति प्रतिजानिते, प्रतिजानिते माने ये प्रतिज्ञा करते, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। क्या प्रतिज्ञा करते? ब्रह्म तत्व उपासनया अपि, शास्त्र श्रवण के बाद ब्रह्म तत्व की उपासना के द्वारा भी मोक्ष भवति, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। माने कि साधन चतुष्टय भी है, श्रवण मनन निधिध्यासन भी हो रहा है, उनका भी अनुष्ठान हो रहा है, अनुष्ठान बता रहा है, लेकिन वो अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, और अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने के कारण मोक्ष की प्राप्ति उनको नहीं हो रही है। कोई ऐसा प्रतिबंधक है, और इसीलिए वो प्रतिबंधक जो है वो आंतरिक प्रतिबंधक है, और वो आंतरिक प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए उपासना दर्शाने की इच्छा से आरंभ में आचार्य जो है वो हमें दर्शाते हैं, आप देखिए, दृष्टांत देते हैं। बुद्धि में ये प्रतिबंधक होता है, आप समझो ठीक से, क्योंकि जन्म जन्मांतर से अनेक प्रकार के कर्म करके हम आए हैं, और वो जो कर्म हमने किए हैं वो कर्म के परिपाक रूप हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। लेकिन मनुष्य जन्म की विशेषता क्या है? प्रश्न उपनिषद में क्या कहते हैं? पुण्येन ऊर्ध्वलोकं गच्छन्ति, अब
पुण्य के कारण पुण्य का अतिशय होता है तो उसे ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होती है। पापेन अधलोकः, पाप कर्म का अतिशय होता है तो उनको अधोलोक की प्राप्ति होती है। उभयेन मनुष्य लोके, जब पाप पुण्य लगभग समान होते हैं तब ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। माने कि मनुष्य जन्म में पाप और पुण्य और उसमें भी पाप अधिक होता है, आप समझो। तो वो जो पाप है, आप ठीक से समझो, ये वो जो पाप कर्म जो है वही पाप कर्म हमारे लिए बुद्धि में प्रतिबंधक बन के बैठता है। देखो इसलिए मैं कहती हूं ईश्वर अनुग्रहेण एव, ईश्वर के अनुग्रह की हमें आवश्यकता है। ईश्वर के अनुग्रह से ही ये प्रतिबंधक की निवृत्ति होती है, क्योंकि वो प्रतिबंधक जो है उनका कारण क्या है हमें पता नहीं है। किस प्रकार का पाप कर्म है, किस प्रकार का पाप कर्म, किस प्रकार का पाप फल हमें दे रहे हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। अब हम नहीं जानते वो, और जब हम जानते ही नहीं है किस प्रकार का प्रतिबंधक है तो उनका उपाय हम स्वयं कैसे करेंगे। और इसके लिए हमें एक अपार शक्ति के सहायता की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं अस्ति कश्चिद अपार शक्ति ही। अब ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जब हम दर्शन करते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रचना है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड के जिस प्रकार से स्थिति है, संचालन हो रहा है, ये सब जब हम देखते हैं तो एक निश्चय हमें मन में होता है अस्ति कश्चित अपार शक्ति ही। कोई अपार शक्ति, कोई दैवी शक्ति जो है वो काम कर रही है, प्रवृत्त है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। और वही जो दैवी शक्ति जो है वो दैवी शक्ति का हमें आवाहन करना पड़ेगा, उनकी सहायता लेनी पड़ेगी हमें। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे ये जो हमारे हृदय में, हृदय ग्रंथि जिसको कहते हैं, बुद्धि की मंदता जो है, ग्रहण करते हुए भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं हम, सुनते हैं तो सब ठीक लग रहा है लेकिन जब वो हम देखते हैं तो अपना जो ब्रह्म भाव है, अपनी जो पूर्णता है, वो पूर्णता में हमारी निष्ठा नहीं होती है। मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, तो अपनी ये पूर्णता, अपना जो ब्रह्म भाव जो है उसमें हमारी निष्ठा नहीं होती है। और वो प्रतिबंधक क्या है हमें नहीं, हम नहीं जानते। अगर प्रतिबंधक क्या है, किस प्रकार का पाप कर्म है जो प्रतिबंधक बन के बैठा है, तो हम उनका उपाय कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हम। और इसीलिए ब्रह्म तत्व उपासनया, वही ब्रह्म तत्व की उपासना करना। देखो इसलिए आगे भी मैं कहेंगे वेदांत श्रवण के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वेदांत तत्व, वेदांत शास्त्र का त्याग नहीं करना है, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस नगर में नदी नहीं होती है तो वो कुएं के जल से ही चलता है उनका सब काम। आजकल कुएं की जगह पर बोरिंग करते हैं, जो एक बार ऐसा हुआ था दक्षिण गुजरात में, एक कॉलेज है
तो वो पानी जो था, जल की आवश्यकता बहुत रहती थी, क्योंकि वो जो विश्वविद्यालय था 3000 विद्यार्थी, तो वो लोगों ने सोचा कि हम एक नया बोर बनाते हैं तो हमें पानी मिल जाएगा। अब वो बोर वाले को बोला थे, वो बोरिंग करता था, तो 100 फुट तक गया वो पानी नहीं निकला। तो एक ने कहा यहां पानी नहीं मिलेगा, आप थोड़े आगे जाइए। अब देखो 100 फुट जाने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है, तो दूसरे स्थान पर हमें जाना चाहिए कि इसी स्थान पर और अंदर उतरना चाहिए? आप देखो अंदर जाना है, तो बोरिंग वाला तो सब वो सब जानते हैं, वो उनको पता होते। तो बोला नहीं नहीं, दूसरी जगह पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी यहां पर ही हम अधिक नीचे जाएंगे। अब देखो तो वो क्या हुआ, 5 फुट नीचे गए तो पत्थर था, बड़ा था। अब पत्थर को जब तोड़ के नीचे गए, बहुत मीठा और शीत जल उनको प्राप्त हो गया। अब देखो अन्य स्थान पर नहीं जाना है, वहां पर ही आपको अंदर उतरना है, नीचे उतरना है। उसी प्रकार वेदांत श्रवण के बाद अगर ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ब्रह्म भाव नहीं होता है, तो और कुछ नहीं करना है। आप समझो, मैं बहुत सारे साधक को जानती हूं, स्वामी जी के पास आए, वेदांत श्रवण किया, कुछ समझ में नहीं आया तो दूसरी जगह पर चले गए, कोई और संप्रदाय में चले गए। अब कई लोग तो इतने कर्म में पड़ गए, ये कर्म किया वो कर्म किया। अब देखो ज्ञान नहीं हुआ आपको, तो कर्म करने से क्या ज्ञान हो जाएगा आपको? अब देखो इसलिए मैं कहती हूं, बाह्य जगत की दृष्टि से आप वैज्ञानिक भी हो सकते हो, लेकिन अगर ये ब्रह्म विद्या में आपका निष्ठा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो बुद्धि की सूक्ष्मता नहीं है। तो बुद्धि की सूक्ष्मता हमें प्राप्त करनी है, जो प्रतिबंधक है वो बुद्धि की मंदता है। तो बुद्धि मंदता जो है, वो जो पाप कर्म के कारण जो अज्ञात प्रतिबंधक है, उनकी निवृत्ति हमें करनी है ना। बाकी कोई कर्म नहीं करना है हम, और इसलिए कहते हैं ब्रह्म तत्व उपासनया। देखो ब्रह्म तत्व से अलग नहीं होना है हमें, जो ब्रह्म तत्व को आत्मस्वरूप जानना है, लेकिन वो अपरोक्ष रूप से हम उनको नहीं जान सकते हैं, तो क्या करना है? ब्रह्म तत्व उपासनया एव। अब देखो वही ब्रह्म तत्व की हम उपासना करेंगे, और वो उपासना के द्वारा ही वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। जब प्रतिबंधक अज्ञात है, तो कोई दैवी जो शक्ति है उनकी सहायता हमें लेनी पड़ेगी। वो दैवी शक्ति के कारण जो अज्ञात प्रतिबंधक है उनकी निवृत्ति हो जाती है। आप समझो ठीक से, देखो इसलिए जप भी बहुत आवश्यक है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, ब्राह्मणा नाम, आप अनुष्ठान करो जप का। जप के द्वारा भी हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, वो ईश्वर तत्व का चिंतन करेंगे, तो ईश्वर तत्व जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, उनका अनुग्रह हमें प्राप्त होगा, जिसके कारण ये प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं मन्मना भव मद्भक्ताः मद्याजी माम नमस्कुरु। आप देखो 7वें अध्याय में 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में भगवान क्या कह, 10वें अध्याय भगवान क्या कह रहे हैं,
अब चिंतन करो, ईश्वर चिंतन करो। इस संपूर्ण जगत की दृष्टि से, ब्रह्मांड की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सूक्ष्म जो है वो ईश्वर है। तो ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर की पूजा करो, पाठ करो, अब जप करो। भगवान गीता में क्या कहते हैं 10वें अध्याय में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सर्व यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है। जप के द्वारा ही जो अज्ञात प्रतिबंधक है उनकी निवृत्ति होती है। देखो ये शरीर की दृष्टि से देखते हैं ना हम, तो ये शरीर का जो संचालन हो रहा है, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी सांस चल रही है, हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हमें शक्ति मिल रही है, इतना ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिसको स्टेरॉइड कहते हैं, वो प्रवृत्त है जिसके कारण ये शरीर का संचालन हो रहा है। कई बार ये शरीर में ऐसा होता है कि कोई एलर्जी हो जाती है, रक्त जो है वो कम हो जाता है। बाह्य दृष्टि से देखते हो तो ऐसा कोई ठोस कारण हमें नहीं मिल रहा जिसके कारण उनके रक्त जो है वो कम क्यों रहते हैं, रक्त कण कम हो जाते हैं, रक्त की कमी होती है, एलर्जी होती रहती है। अब तो किसके कारण ये सब हो रहा है वो कारण हमें नहीं मिल रहा है, तो ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ये स्टेरॉइड देते हैं। अब वो स्टेरॉइड क्या करेगा, वो जहां पर भी जिस प्रकार का प्रतिबंधक जो है वो उनकी निवृत्ति कर ले। अब वो कैसे करेगा डॉक्टर को भी ठोस रूप से नहीं पता है, लेकिन वो करेगा काम। आप समझे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हवा में तीर लगाया, ऐसा ही लगेगा आप समझे। लेकिन ये स्टेरॉइड जो है ना वो काम करता है उसी प्रकार। ये जो ब्रह्म तत्व उपासना जो है अज्ञात प्रतिबंधक है, तो उनकी निवृत्ति के लिए ये जो ईश्वर तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उनकी उपासना ही हमें करनी है। तो उनके अनुग्रह से ये हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, हमारे मन में सूक्ष्मता आएगी और हमारा जो प्रतिबंधक है उनकी निवृत्ति हो जाएगी। अब जब प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाएगी तो अपरोक्ष ज्ञान भी होगा और अपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो बाहर नहीं जाना है, आप समझो, ब्रह्म तत्व उपासना या माने की वो ही ब्रह्म तत्व की हम उपासना करेंगे। तो वो ब्रह्म तत्व की जब हम उपासना करते हैं तो वो उपासना के द्वारा जो प्रतिबंधक है उनकी निवृत्ति हो जाएगी। अब उपासना किसको कहते हैं, उपसामीप्य आसनम इति उपासना। अब उपसामीप्य ईश्वर के समीप बैठना, उसे उपासना कहते हैं। अब अब ईश्वर के सामीप्य, ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करो आप। जब आप ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करोगे ना तो आपका मन एकदम प्रसन्न रहेगा। कैसे मैं बताती हूं, जो बहुत सारे युवा दंपति होते हैं ना, वो अपने छोटे छोटे पुत्र पुत्री उनको लेके जाते ही विवाह प्रसंग में,
वहां बहुत सारे होते हैं, 500,000 लोग होते हैं वहां पर, और अधिकतर लोग को हम जानते हैं, आप देख तो सबको मिलते हैं, कैसे है बात करते हैं, और सबको मिलने के बाद एक जगह पर हम लोग बैठ जाते हैं, आप देख। तो एक माँ थी, उनके दो बच्चे थे, वो भी सबको मिलते 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 फिर एक कुर्सी पर वो बैठ गए। अब दो बच्चे उनके थे, लेकिन बहुत सारे अन्य जो युवा दंपति थे उनके भी वहां बच्चे थे वहां पर, तो वो सब बालक एक दूसरे के साथ खेलने लगे, वो खेलते थे। अब लेकिन जितने भी वो बालक वहां थे ना, वो सब क्या करते थे, देखो ये एक बहुत सामान्य बात होती है, कोई विशेष बात मैं नहीं कर रही। वो सब बालक जो होते हैं वो खेलते तो रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लेकिन हर दो मिनट में वो घूम के देखेंगे वो मम्मी है कि नहीं, अब देखो माँ वहां पर है कि नहीं, वो देखेंगे, और माँ भी वो देखती रहती है। कभी कभी माँ के साथ उनकी आंख मिल जाती है, माँ ऐसे हाथ करेगी, वो भी ऐसे हाथ करेगा, अब देखो। अब वो खेलते हैं, अब माँ को किसी ने बुलाया तो वो उठ के चली गई, अब देखो। अब जब बच्चा घूम के देखता है वो कुर्सी पर माँ नहीं है, तुरंत क्या होगा, वो देखेगा आसपास, देखेगा चारों ओर, देखेगा माँ कहाँ है, वो ढूंढेगा अपनी माँ को, उसको माँ नहीं दिखाई देती। अब देखो जैसे माँ नहीं दिखाई देती है वो क्या करेगा, वो जहां भी है ना वहां ही वो ठहर जाता है, और इतने जोर से वो चिल्लाएगा माँ करके रोना शुरू करेगा। अब देखो अब जब वो रोना आरंभ करेगा, माँ को बुला के वो आरंभ करेगा, उनकी माँ जहां पर भी होती है, आप देखो इतने बहुत सारे आवाज हो रही है, संगीत भी बज रहा है, लोग बात भी कर रहे हैं, आप लेकिन वो बच्चा जब माँ करके रोता है तो उनकी माँ जहां पर भी होगी उनको वो सुनाई देगा। आप देखो वो तुरंत समझ जाएंगे कि मेरा बच्चा मुझे ढूंढ रहा है। अब देखो लेकिन वो थोड़ी दूर है, वो क्या करेगी, वो दूर से आवाज देगी उनके नाम से, हाँ बेटा। अब वो बच्चा भी तुरंत पहचान जाएगा ये मेरी माँ की आवाज है। अब देखो तो जिस दिशा से वो आवाज आई उस दिशा में वो देखेगा, जैसे ही उनको माँ दिखती है ना वो दौड़ के माँ के पास चला जाएगा, और देखो माँ तू कहाँ चली गई थी, क्यों, जब तक माँ थी तब तक वो आनंद से खेल रहा था, देखो बिल्कुल आनंद से वो खेल रहा था, क्यों, क्योंकि माँ का सानिध्य उनकी सुरक्षा है, माँ है तो वो प्रसन्न होकर खेल रहा है, बहुत कुछ करेगा, कुत्ता है दौड़ता है। माँ है, माँ का सानिध्य है, अब उसको सानिध्य कहते हैं, सामिप्य। जैसे ही माँ नहीं है वो असुरक्षित है, बस हमारा मन भी ऐसा ही। अब ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करो, आपके जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, ईश्वर मेरे समीप है। वो जो बच्चा होता है इतना ही नहीं कि माँ वहां पर है, माँ मुझे देख रही है, आई कांटेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, वो जब देखता है ना तो माँ की आंख को देखता है,
और माँ भी उनकी आंख में देखती है, और जैसे वो देखेगा ना उनका मन एकदम शांत और प्रसन्न हो जाएगा। उसी प्रकार उपसामीप्य आसनम, आप वो ईश्वर के सानिध्य में बैठ जाइए, ईश्वर मेरे साथ है। जो हमारे पाप पुण्य कर्म है, प्रारब्ध कर्म से जो पाप पुण्य है, वो पाप पुण्य के अनुसार जो भी जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता है, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है, बस वही हमें करना। जितना आप ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करेंगे ना, उतने ये प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाएगी। अब और जैसे ये प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाएगी, अपरोक्ष ज्ञान में आपकी निष्ठा हो जाएगी और मोक्ष फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ये एक अर्थ हुआ उपसामीप्य उपासना। लेकिन ये उपासना जो है वो दो प्रकार की है, सगुण ब्रह्म उपासना, निर्गुण ब्रह्म उपासना। उपासना दो प्रकार की, आप समझना ठीक से, निर्गुण ब्रह्म उपासना, सगुण ब्रह्म उपासना, दोनों में एक बात सामान्य, एक नहीं दो तीन बात सामने हम देखें। पहली बात यह है मानस व्यापार है। देखो हमारे तीन प्रकार के कर्म होते हैं, ये जो विभागीकरण है ना उनके लिए एक सामान्य, एक मापदंड लेते जिसके आधार पर हम विभाग करते हैं। आप देखो तो कर्म के तीन विभाग है, वो किन के आधार पर, उनके साधन के आधार पर, किस प्रकार का साधन वो कर्म करने के लिए आप उपयोग करते हैं, उनके आधार पर कर्म तीन प्रकार के हैं। ये स्थूल शरीर से आप कर्म जो कर रहे हैं उसको कायिक कर्म कहते हैं, ये काया के द्वारा होते हैं, वो कायिक कर्म है। मैं अभी बोल रही हूं, मैं आपको उपदेश दे रही हूं, वो वाणी है, उसको वाचिक कर्म कहते हैं, वाचा के द्वारा जो होता है वो वाचिक कर्म है। अब गीता का पाठ करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, अब देखो कीर्तन करेंगे, ये सब वाचिक कर्म है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं वो वाचिक कर्म है। उसी प्रकार से मानसिक कर्म, उपासना जो है वो मानसिक कर्म। तो उपासना जो है उसको ध्यान भी कहते हैं, ध्यान जो है वो मानसिक कर्म है। लेकिन ध्यान शब्द जो है वो सकर्मक शब्द है, सकर्मक माने उनका कोई कर्म होना चाहिए। अब संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से दो प्रकार के क्रियापद होते हैं, सकर्मक अकर्मक। कई क्रियापद ऐसे हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब समझो राम आस्ते, राम बैठे हैं, तो बैठे हैं उसमें अधिकरण की अब अपेक्षा है, कहां बैठे हैं। आप देखो कहां माने सप्तमी विभक्ति, लेकिन उनका कोई कर्म नहीं, कोई विषय नहीं है। लेकिन अगर हम कहें राम खादति तो तुरंत प्रश्न आएगा किम खादति। आप देखो तो हम क्या कहेंगे, फलम खादति। आप देखो राम तिष्ठति, तो वहां पर तिष्ठति हम कहते हैं, वहां कोई कर्म नहीं है। लेकिन अगर खादति कहते हैं तो कर्म है उनका, विषय है उनका,
क्या खाते हैं? फल खाते हैं। तो उपासना या ध्यान हम जिसको कहते हैं वो सकर्मक है। तो किसी भी क्रियापद में जो सकर्मक क्रियापद है उनमें तीन बात होती है। एक कर्ता होता है, वो क्रिया करने वाला कर्ता होता है, क्रिया का कर्म माने विषय होता है, और वो क्रिया होती है, तीन है। तो ध्यान में भी ध्याता है, ध्येय है ध्यान का विषय, और ध्यान की क्रिया है। ध्याता, ध्यान, ध्येय। तो ध्याता कौन है, ध्यान का विषय क्या है, और ध्यान की क्रिया क्या है? उपसामीप्यासनम, किसके समीप आप बैठते हो? अब समीप शब्द जब कहते हैं तो किसी के समीप होंगे ना, तो उनका कोई विषय होगा। किसके समीप आप बैठे हैं? तो ये तीन है, ध्याता है, ध्यान है, और ध्येय है। अब ध्यान किसको कहेंगे? ध्यान की जो क्रिया है ना, तो ध्यान की क्रिया क्या है? तो इसके लिए ध्यान की क्रिया जो है, पहले कहते हैं मानस व्यापार है, वो मानस कर्म है। ध्यान मानस कर्म है, वो ध्यान का विषय होना चाहिए। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार है, उनका विषय क्या है? सगुण ब्रह्म मानस व्यापार। तो बोले ठीक है, सगुण ब्रह्म उनका विषय है, और वो मन से मैं चिंतन करूं। शंकराचार्य जी कहते हैं तैल धारवत दीर्घ काल पर्यंत। उपासना किसको कहेंगे आप, या तो ध्यान किसको कहेंगे? तैल धारावत, हमारे मन की जो वृत्ति है ना, वो तैल धारा के समान वो विषय की ओर बह रही है। जल प्रवाह नहीं कहा आप, देखो तैल धार कहा। क्यों? जल की जो धारा होती है ना, उसमें विक्षेप होता है। आप देखो वो ऐसे गोल गोल घूमता हो ना, ऐसा दिखता है। जब भी आप जल की धारा देखते हैं तो उसमें एक विक्षेप दिखता है हमें। लेकिन तेल की जो धार होती है ना, वो एक रिबन समान होती है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई विक्षेप नहीं होता है। और वो तेल जो है वो चिकना होता है, स्नेह कहते हैं उसको। तो हम भी जब ये मानस व्यापार करते हैं जिसका विषय सगुण ब्रह्म है, तो वो सगुण ब्रह्म की और किसी भी प्रकार के विक्षेप के बिना हमारा वृत्ति का प्रवाह बह रहा है, और उसमें साथ में तैल तेल जो होता है वो चिकना होता है, स्नेह कहते हैं, प्रेम कहते हैं उसको। तो जिसके लिए हम ध्यान कर रहे हैं, जो हमारे ध्यान का विषय, उनके प्रति हमारे मन में एक प्रेम भाव होता है, आदर भाव होता है, प्रेम भाव होता है। और दीर्घ काल पर्यंत, एक मिनट दो मिनट किया वो उपासना नहीं है, आप समझ। नित्य निरंतर दीर्घ काल पर्यंत जब हम वो चिंतन करते हैं तो उसे उपासना या ध्यान कहते हैं। लेकिन वो ध्यान अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो दो बात बताते हैं।
सगुण ब्रह्म मानस व्यापार, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार तैल धारवत। दो और बात, विजातीय वृत्ति प्रवाह तिरस्कारेण, मान की उपासना का जो विषय है उससे अन्य जो भी कोई विषय है उनकी वृत्ति का त्याग करना है। सजातीय वृत्ति प्रवाह है, जो विषय है वो विषय को केंद्र में रख के ही हमारे मन में वृत्ति उठती है। विजातीय वृत्ति प्रवाह तिरस्कारेण सजातीय वृत्ति प्रवाह तैल धारावत सगुण ब्रह्म मानस व्यापार ध्यानम। ये ध्यान है, लेकिन वो ध्यान का जो विषय है वो क्या है? ब्रह्म तत्व उपासनाया, वो ब्रह्म तत्व की उपासना है। माने कि उनका विषय क्या है? ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व से अलग नहीं होना है। आप समझ, ब्रह्म तत्व की उपासना के द्वारा ही ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हमें प्राप्त करना है और अपरोक्ष ज्ञान से हमें मोक्ष की प्राप्ति। तो उपासना के द्वारा और कुछ सिद्ध नहीं करना है हमें। देखो इसलिए मैं बार बार आपको कहती रहती हूँ कि लाल दिखा पीला दिखा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब क्या है? ध्यान मैंने किया, ये प्रकार का मुझे अनुभव हुआ, ये हम अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आप समझो ये सब टेक्निक है, आप समझो ये ध्यान नहीं, ये टेक्निक है। सगुण ब्रह्म मानस व्यापार ध्यान, कल हम आगे देखेंगे उपासना की अनेक प्रकार से व्याख्या है। शंकराचार्य जी भगवद गीता में उपासना की व्याख्या कहते हैं, और ये जो तीन है ध्याता ध्यान और ध्येय, प्रकरण का आरंभ करें उनके पहले ये स्पष्टता आपके मन में होनी चाहिए। ये आजकल जो ध्यान हो रहा है वो ध्यान नहीं है, आप समझना ठीक से ही। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूं, शास्त्रोक्त तो क्या है वो हमें जानना है। और इसलिए कहते हैं कि उनका विषय ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म क्या है? और जो ध्याता जो ध्यान करने वाला है वो ध्यान करने वाले के गुण क्या क्या होने चाहिए, माने कि उनमें वो ध्यान करने की पात्रता है कि नहीं, वो पात्रता कैसे आएगी? वो ध्यान करने वाला जो ध्याता है वो ध्याता के सद्गुण क्या क्या होना चाहिए, ऐसा मत मान। जो खाना है मैं खाऊं, जो पीना है मैं पीऊं, जो बोलना है मैं बोलूं, क्रोध करना है तो क्रोध कर दिया, आक्रोश करना है आक्रोश करो और मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। आप समझो तो कल हम देखेंगे पांचवे अध्याय के अंतिम तीन श्लोक में भगवान ये दर्शाते हैं, संक्षिप्त में दर्शाते हैं, उसका ही फिर विस्तार छठे अध्याय में करते हैं। ध्यान योग जो है, ध्याता कौन है, ध्येय क्या, ध्यान क्या है और ध्येय क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है। तो आगे जो मैंने कहा कि शास्त्र श्रवण मनन निधिध्यासन किया है लेकिन फिर भी बुद्धि में कोई ऐसा प्रतिबंधक है जिसके कारण अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ब्रह्म तत्व जो है वो ब्रह्म तत्व का हमें त्याग नहीं करना है। वही ब्रह्म तत्व का हम उपासना करेंगे तो वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाएगी, और जब प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाएगी तो अपरोक्ष ज्ञान और मोक्ष सहज हो जाते हैं, और इसीलिए आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम महेशाः
गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिने देशो यंक्षो भरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ